हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, सिलाई से जो कपड़े बच जाते हैं हमारे पास, इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं ना, तो उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा बेस्ट रियूज, जिससे कि आप इस तरह के वेस्ट कपड़ों का इस्तेमाल करके प्यार आसा मैट्रेस गद्दा घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो जीरो बजट में हम मैट्रेस बना के रेडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गद्दा बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी साड़ी दुपट्टे हैं अगर आपके पास, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप लाइनिंग अटैच कर लीजिएगा बस, या फिर अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप न्यू फैब्रिक का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी साइज का हमें गद्दा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हमें पीस लेना है। तो ये पीस मैंने ले लिया है, इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। तो फैब्रिक के ऊपर हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितनी हमारी इंच टेप है उसी के बराबर ये हमने पीस लिया है। तो अभी इधर से भी हम इसको इस तरह से माप लेते हैं। तो फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इंच टेप को हमने रख लिया है। और फ्रेंड्स, 44 इंच हमने इसकी विड्थ ली है। तो अभी हमें इस पीस को इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से पीस को हमने फोल्ड करके रख लिया है। सीधी साइड अंदर की साइड है और उल्टी वाली साइड हमने बाहर की साइड रखी है। तो अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पीस हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। तो ये हमारी सीधी वाली साइड अंदर की साइड है और ये आप देख सकते हैं ये हमारी बंद वाली साइड है। तो अभी जो ये ओपन वाली साइड है इसमें हम सिलाई लगाएंगे, इस साइड भी और इस वाली साइड भी, दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो अभी ये ओपन वाली साइड है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, दोनों साइड सिलाई लगानी है, इस साइड और दूसरी वाली साइड। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है इसमें, इस साइड भी और इस वाली साइड भी। तो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये पीस हमने सीधा कर लिया है। तो इस तरह का ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो हमारे पास जो वेस्ट कपड़े रखे हुए थे उनको हमें इसमें फिल करना है। अगर आपके पास पुरानी कॉटन है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो जितने भी वेस्ट कपड़े हैं उनको हम वन बाय वन इसमें फिल करते जाएंगे। तो इस तरह से कपड़ों को फिल करते जाएंगे और साथ साथ इनको हमें सेट भी करते जाना है। तो इस तरह से कपड़ों को फिल करते जाएंगे और इस तरह से हम सेट कर लेंगे इनको। तो सारे कपड़े हमें इसी तरह से फिल करने हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े हमने फिल कर लिए हैं, अच्छे से सेट कर लिया है इनको। तो इस तरह से अच्छे से कपड़ों को सेट करना है। तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े हमने फिल कर लिए हैं और अच्छे से सेट कर लिए हैं। तो अभी ये ओपन साइड आप देख रहे हैं, इस पे हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगानी है। तो ये हमने सुई और धागा लिया है, तो इसकी मदद से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए छोटे छोटे टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो जो ओपन साइड है इसमें हम पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरा इसको सिल लिया है फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमें ओपन साइड पे सिलाई लगानी है। तो अभी हमें 3-3 इंच की लाइंस बनाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो अगर आप ऐसे ही सिलाई नहीं लगा सकते हैं तो आप इसमें 3 इंच की लाइनें पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप सिंपली इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से सुई को अंदर की साइड डालेंगे, फिर हम बैक साइड इस तरह से धागे को निकालेंगे और इस तरह से अच्छे से पक्का करते हुए हम धागे को कट कर देंगे।
तो आप दोनों तरह से सिलाई लगा सकते हैं इसमें, सीधे सीधे इस साइड भी और इस साइड भी। तो हम इस तरह से लाइन बनाते हुए इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सुई को हम इस तरह से अंदर की साइड डालेंगे, फिर बाहर की साइड निकालेंगे धागे को। अब इस तरह से बैक साइड इसको अच्छे से पक्का करते हुए हम धागे को कट कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें फर्स्ट लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस इसी तरह हमें लाइंस इसमें बनाते जानी है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से सीधे सीधे। तो आप देख सकते हैं तीन लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस इसी तरह से हमें इसको पूरा बना के तैयार करना है। तो बस इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको पूरे में सिलाई लगा ली है इस तरह से लाइनें बनाते हुए। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका। तो इस तरह से हमारा जो गद्दा है वो बनके तैयार हो गया है। तो छोटी छोटी लाइंस बनाते हुए ही हमें इसमें सिलाई लगानी है ताकि जो हमने इसमें कपड़े फिल किए हैं वो इधर उधर ना हो और अच्छे से हमारे कपड़े इसमें सेट हो जाएं। तो बड़े टक्स नहीं लगाने हैं, छोटे छोटे टक्स इसमें लगाते हुए इस तरह से हमें इसमें लाइनें बनाते जाना है। तो फाइनली हमारा जो गद्दा है वो बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से वेस्ट कतरनों को इस्तेमाल करके आप भी इस तरह का गद्दा मैट्रेस घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको इजली इसको वॉश करना है तो आप इसके लिए कवर भी बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको कवर की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए इस तरह की वीडियो लेके आऊंगी। तो फ्रेंड्स, वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।